खबर चमोली से है, जहां पर पोखरी हरिशंकर चौड़ी मोटर मार्ग को सुचारू करने के लिए ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग पोखरी और तहसील में विभाग की धीमी कार्यप्रणाली के खिलाफ जुलूस निकाला है। बताते चलें कि पोखरी हरिशंकर चौड़ी मोटर मार्ग पर चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन आज 8 माह से विभाग और ठेकेदार की घोर लापरवाही से यह मोटर मार्ग बंद पड़ा है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विभाग और ठेकेदार की इस कार्य में बड़ी मिलीभगत है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। परिवार तो लगभग तो मतलब ग्राम सभाएं हैं, ग्राम सभाएं बहुत 8 ग्राम सभाएं हैं इस रोड पे, और 8 ग्राम सभा में ऐसा हो रहा है कि ये लोग हमारी रोड है जो मेन रोड अब चल रही है वो खुली होनी चाहिए थी। इनके लिए यहाँ पीडब्ल्यूडी से भी बोला गया था कि पहले से खुलेगी, ये खोल नहीं रहे। ठेकेदार या जो भी हैं ये लोग कार्यकर्ता लोग विभाग, ये लोग क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती कर रहे हैं, अपनी मनमानी चल रही इनकी। ये 2009 में बन गई थी, अब शासन द्वारा इस पर 3 करोड़ रुपया इसमें स्वीकृत हुई है, जिसमें 5 किलोमीटर पर चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का काम चल रहा है। तो बीच में बरसाती डिस्टर्ब के कारण मार्ग बंद था, तो लोग चुप रहे, भाई चलो ठेकेदार काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब होगा, पर अब 8 महीने हो चुके हैं, ठेकेदार ने 75% काम कर दिया है और अब उसी की मोनोपोली से या विभाग की मोनोपोली से गाड़ियां नहीं जाने दी।